you. A very, very warm welcome to today's session. I hope all of you guys are doing absolutely fine and amazingly well, staying home, staying safe, and taking good care of yourselves. I am Ankana, your master teacher for social sciences at Vedantu, and let's get started with the super duper amazing session of CBSE class 10th. CBSE class 10th के लिए हम आज करने वाले हैं सारे मैप्स का वन शॉट रिविजन. तो मैप्स एक ऐसी चीज है जहां पे हमारे मार्क्स वैसे तो अश्योर्ड होते हैं, है ना. हमें पक्का पता होता है कि अगर हमने ढंग से कर लिया तो वो 4 नंबर 5 नंबर जितने भी नंबर के मैप्स होते हैं अभी तो फिक्स्ड है. बट मैं जनरली कह रही हूँ कि अगर आप 80 नंबर का भी पेपर देते हो, जितने भी मार्क्स का पेपर देते हो, आपके लिए मैप्स एक ऐसी जगह है जहां पे आप मिस्टेक नहीं कर सकते. कुछ डिफाइंड चीजें वहीं से सवाल आएंगी और उसको अगर आपने नेल कर लिया तो आप बढ़िया से सॉर्टेड हो. मतलब वहां पे फिर कोई विंडो ऑफ कंफ्यूजन है ही नहीं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अब मैप्स को लेकर के बहुत ज्यादा पंगा चल रहा था कि भाई बच्चे कंफ्यूज्ड हैं. वैसे तो मैंने इंडिविजुअल मैप्स के सेशंस किए हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का पढ़ाया है, मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज का अलग से दिखाया है. बट ऑफकोर्स बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, अभी एग्जाम में थोड़ा वक्त है, एक वन शॉट रिवीजन कर लेते हैं जहां पे सारे मैप्स को इकट्ठा एक बार रिव्यू कर लेते हैं. ठीक है, तो इसी बात पे शुरू करते हैं आज का सेशन. नाउ प्लीज स्टूडेंट्स, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. लाइक जरूर कर लेना बिकॉज आई नो वन शॉट ऑफ मैप वर्क इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस वांटेड एंड फाइनली वी हैव इट. तो आप जरूर लाइक कर दीजिए इसी बात पे इफ यू सपोर्ट द आइडिया एंड द थॉट. अगर आपको लगता है कि ये हेल्प करेगी आपको, आपके फ्रेंड्स को, दिस वीडियो विल ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल क्योंकि अभी ऐसे कई सारे रिविजन वीडियोज आने वाले हैं, स्प्रिंट आने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है. ठीक है, मैराथन होने वाला है, हर बार होता है, इस बार भी होगा ही आई एम श्योर. तो सुपर रिविजन होगा तो आप नहीं मिस करना चाहते ये सारी चीजें, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आ जाए. रेस्ट, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू अ क्विक रिमाइंडर अबाउट ऑफकोर्स हमारा प्रो सब्सक्रिप्शन. 10th में जा रहे हो बच्चों तो आपको 11th और 12th का भी फिगर आउट करना है. बट अगर आपने करना है जेई और नीट तो आपके लिए ऑलरेडी फिगर्ड आउट है. दृष्टि बैच के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहां जरूर से आपको लगा लेना है एंक प्रो कोड. दैट इज वॉट इज गोइंग टू गिव यू एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट. ठीक है, चल तो अब इसी बात पे शुरू करते हैं हम हमारा सेशन. वी विल गेट स्टार्टेड विद द मैप वर्क ऑफ हिस्ट्री. तो हिस्ट्री में नेशनलिज्म इन इंडिया ही हमारा एक चैप्टर है जिसमें से दो चीजें आएंगी. पहला है आपका इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 से 1947 तक. यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेशंस में हमें क्या क्या करना है. इससे पहले कि मैं इस मैप पे आऊं, मैं आपको एक वीडियो दिखा देती हूँ विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस मच बेटर. So here we go, important sessions of Indian National Congress. Calcutta, September 1920, which was presided by Lala Lajpat Rai. Calcutta क्यों? सर आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की अनाउंसमेंट हुई थी. फिर विजय राघव शेरियार के अंडर नागपुर दिसंबर 1920, जहां पे अडॉप्शन बिगिनिंग हो गई थी. एंड फाइनली मद्रास जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंसी में 1927. ये तीन सेशंस जो हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यही हमारे मैप वर्क में इस बार आएगा भी. ठीक है, सो दिस इज वॉट वी आर सपोज टू डू. नाउ कमिंग बैक I will quickly show you. ये देखो तो ये हमारा कैलकटा का सेशन हो गया, ये नागपुर का सेशन हो गया और ये मद्रास का सेशन हो गया. अब आपको मैं हमेशा कहती हूँ जगह वाली चीजों में, सिटी वाली चीजों में हमेशा स्टेट याद कर लो. आपको स्टेट याद हो गया तो रफली आप मार्क कर लोगे और आपको बस नियर बाय होना है, एकदम ऑन पॉइंट होने की जरूरत नहीं है मैप मार्किंग के साथ. तो कैलकटा बच्चा यहाँ पे है. अब इसमें ये भी आपको देखना होगा कि आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है. अगर सिर्फ आइडेंटिफाई करना है तो आपके लिए प्लेसेस मार्क्ड होती हैं, आपको पूछा जाता है डिस्क्रिप्शन देकर कि ये जगह कौन सी है, या फिर आपको मार्क लेबल एंड लोकेट एंड लेबल करना है. लोकेट एंड लेबल में आपको खुद से जाना होगा, ऐसे पॉइंट लगाना होगा, लिखना होगा कि किस चीज को आपने लेबल किया है. ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गए. इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं जो फ्रीडम मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट थे. जैसे हमें पता है चंपारण, चंपारण बिहार का सत्याग्रह की वजह से, और सत्याग्रह की वजह से ही अहमदाबाद और खेड़ा जो यहाँ पे आता है.
ठीक है, एंड देन चौरी चौरा, तो ये आपका यूपी में बिहार के बिल्कुल बॉर्डर पे ही पड़ेगा ये, ठीक है। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट इज ऑन द वर्ज ऑफ बिहार, तो ये बिहार और यूपी के वर्ज पे ही आता है चौरी चौरा। तो चंपारण और चौरी चौरा एक दूसरे से बहुत अलूफ, बहुत दूर नहीं है, ठीक है जी। चलिए तो अब थोड़ा वीडियो देख लेते हैं हम। ओके, सो वीडियो में हमें चाहिए इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मैम विल डिसअपीयर सो दैट यू गाइस कैन सी। अब देखो शुरू करेंगे, देखो चौरी चौरा से, सॉरी चंपारण से शुरू करेंगे, जो कि आपका यहाँ पे प्लांटर्स, इंडिगो प्लांटर्स की मूवमेंट थी, बिल्कुल टॉप पे होगी, टॉप कॉर्नर यूपी के पास। अभी देखिए खेदा और अहमदाबाद ऊपर नीचे यहाँ पे सत्याग्रह का होगा। अगर आपको डेट्स को लेकर के कंफर्मेशन चाहिए, कंफ्यूजन है, आप प्लीज अपने एनसीईआरटी में दिए गए डेट्स को ही फॉलो करो, ये याद रखो, ठीक है। जलियांवाला बाग इंसिडेंट के लिए अमृतसर यहाँ पे, विच इज इन पंजाब, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा चौरी चौरा। ये देखो यहाँ पे हमारा चंपारण था, यहाँ पे हमारा चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये डांडी हमारा सीडीएम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पे एक ग्लैंस ओवरऑल डाल लो, आपको अगर वो मैप हेल्पफुल नहीं लग रही है तो आप यहाँ पे, मैं पॉज कर रही हूँ, आप इसका भी ऐसे पॉज करके इस वीडियो को एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है जी। तो आप अपने हिसाब से देख लेना व्हाट यू फाइंड हेल्पफुल, जो भी आपको हेल्पफुल लगे प्लीज गो हेड एंड यूज दैट। ओके नाउ, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट सेंटर्स हो गए चंपारण के, चौरी चौरा, अहमदाबाद, दांडी हो गया हमारा, खेदा हो गया हमारा, अमृतसर हो गया बिकॉज ऑफ द जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स। अब ये हिस्ट्री के बच्चों इतने ही मैप वर्क्स थे जो हमें करने थे। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, अब हमें ज्योग्राफी का करना है। तो ज्योग्राफी के लिए मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस के साथ हम बिगिन करते हैं। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस में न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्लांट में ये लिस्ट है जो हमें देखनी है, नरोरा, काकरापारा, तारापुर, कल्पाकम और थर्मल पावर प्लांट्स में नामरूप, रामगुंडम एंड सिंगरौली। अब ये वाले मैप में बहुत सारी चीजें मार्क्ड है, तो अगेन आई गोना शो यू द वीडियो, हम यहाँ पे भी जरूर देख लेंगे, एक बार वीडियो देख लेते हैं। मैंने डिटेल में बहुत ज्यादा ये सेशंस ऑलरेडी किए हुए हैं अच्छे से एक्सप्लेन कर करके, सो दिस इज मोर ऑफ एन ओवरव्यू सेशन जहाँ पे मैं दिखा दे रही हूँ कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं और कहाँ मार्क होंगे। अगर आपको बाकी डिटेल्स चाहिए तो प्लीज डू गो एंड वॉच दोज डिटेल सेशंस जहाँ पे मैंने स्पेशली मैप को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चलो आ जाओ अब हम देख लेते हैं हमारे पावर प्लांट्स। सो हियर वी गो, हम शुरू कर रहे हैं हमारे न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट्स के साथ। ये नामरूप पावर प्लांट है जो कि असम में है। उसके बाद असम से हम सीधा आएंगे, हमारे तीन पावर थर्मल पावर प्लांट्स है जो हमें करने हैं। फिर आता है सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। एंड देन फाइनली रामगुंडम विच इज इन तेलंगाना, ठीक है, ये तेलंगाना में हो गया। अब हम देखेंगे हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को भी, इसके बाद थर्मल पावर प्लांट्स करने के बाद नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि यूपी में आता है। उसके बाद आपको याद होगा यहाँ पे हमारे चार पावर प्लांट्स जो हमें करना है, ये गुजरात और तारापुर वाला बहुत क्लोज है, तो काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट विच इज इन गुजरात, और ठीक नीचे थोड़ा सा ये देखो गुजरात के बिल्कुल यहाँ से यहाँ आप आ जाओगे तो यहाँ पे तारापुर आ जाता है, मुंबई के काफी नजदीक है तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट विच इज इन महाराष्ट्र। फाइन, देन फाइनली वी हैव आर ऑन द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु एंड वेरी क्लोज टू आंध्र प्रदेश विल बी आर कल्पाकम न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब एक ओवरव्यू हो जाए बिल्कुल जूम आउट करके, ठीक है, थोड़ा जूम आउट करके देख लेते हैं। अब आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हो, नामरूप, सिंगरौली, नरोरा, काकरापार, तारापुर सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, आप उसको आराम से जूम आउट करके रिव्यू कर सकते हो, ठीक है। तो हमने देख लिया, ये देखिए नामरूप यहाँ पे असम में बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। नरोरा इज हियर इन यूपी, देन वी हैव काकरापार विच इज ओवर हियर एंड राइट बिलो इट यहाँ पे हमारा ये देखो ये तारापुर है, ठीक है। तो हमने नरोरा देख लिया, हमने काकरापार देख लिया, हमने तारापुर देख लिया, यहाँ पे मैं आपको कल्पाकम दिखा देती हूँ, ये भी हमने देख लिया, नामरूप हम देख चुके हैं, रामगुंडम वुड बी ह्योर, ये देखिए, ठीक है, ये तेलंगाना में आ जाता है। अब ये याद रखना है, ये वाला थोड़ा मैप जो है मतलब पुराना है, डिविजन नहीं दिख रहा है, ठीक है। एंड देन फाइनली वी हैव सिंगरौली,
ठीक है, सिंगरौली कहाँ पे आएगा भैया? तो सिंगरौली ये बिल्कुल बॉर्डर पे यूपी के और छत्तीसगढ़ के ये पास में, यहाँ पे मैं एमपी में वैसे तो आता है, यहाँ पे हमारा सिंगरौली हो जाएगा। तो ये हमारे न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर प्लांट्स हो गए। अब हम बात करते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बच्चे हमें करना है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। देखो हमारी मैक्सिमम इंडस्ट्रीज तो जो है वो डेक्कन प्लेटू में ही आ जाएंगे नेचुरली, बिकॉज आपका यहाँ पे ही ब्लैक सॉइल मिलता है और ब्लैक सॉइल की वजह से यहाँ पे ही सप्लाई जो है वो कॉटन का ज्यादा होता है नेचुरली। तो यहाँ पे हमें सूरत जो कि बिल्कुल बॉटम में है, तुरंत पास में मुंबई आ जाएगा, ये यहाँ पे विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। कानपुर हो गया यूपी में, इंदौर हो गया एमपी में, और ये कोयम्बटूर हो गया आपका तमिलनाडु में। अब इन प्लेसेस को मैं एक बार अपने आप को रिमूव कर देती हूँ स्क्रीन से। अब इन प्लेसेस को आप ध्यान से देख लो, कानपुर बिल्कुल बीचों बीच मार्क हो रहा है यूपी के, सूरत इधर एंड की तरफ हो रहा है, मुंबई जरा ऊपर बिल्कुल गुजरात के पास होगा, इंदौर अगेन ये काफी तीनों पॉइंट्स क्लोज रहेंगे ईच अदर से, तो ये आपका वेस्टर्न साइड में होगा। एंड कोयम्बटूर इज वेरी ऑन द वर्ज ऑफ केरला एंड कर्नाटका का मीटिंग पॉइंट जो है तमिलनाडु के साथ, उस ट्रायंगल में यहाँ पे आपको फिट करना है कोयम्बटूर को। सो दिस इज योर कॉटन टेक्सटाइल। अब ये मैप क्योंकि काफी ज्यादा क्लियर है, वीडियो से इतनी ज्यादा डिफरेंस मेक नहीं करेगा, लेकिन हाँ आयरन एंड स्टील प्लांट्स के लिए मैं आपको दिखाऊंगी, बिकॉज दिस इज वेयर वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स लिस्टेड आउट। ये वाला वीडियो हम जरूर देख लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास है दुर्गापुर, ठीक है, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर एंड सेलम, ये दो ऐसी जगह है जो थोड़ी अलग है, बाकी पूरा छोटा नागपुर प्लेटो के हिस्से में आ जाएगी। दुर्गापुर आपका वेस्ट बंगाल में, बोकारो और जमशेदपुर आपका झारखंड में हो जाएगा, भिलाई यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ठीक है, बीचों बीच एकदम एमपी छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे आ जाएगा। विजयनगर बच्चे यहाँ पे है, विजयनगर आपका कर्नाटका में लाई करेगा, एंड सेलम इन मिडल ऑफ तमिलनाडु, बिल्कुल बीचों बीच। थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं, वीडियो से हमें क्लैरिटी ज्यादा आ जाएगी, तो हमें देखना है आयन प्लांट्स। सो लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा दुर्गापुर हो जाएगा ये बीच में है बिल्कुल, ये जो आपकी वेस्ट बंगाल की ये पोर्शन है ये जो ऐसे जा रही है, यहाँ पे आप दुर्गापुर करोगे और इसी जो एक एपेक्स निकल रही है उसके ऊपर बोकारो और नीचे यहाँ पे जमशेदपुर होगा। जमशेदपुर इज वेरी वेरी क्लोज टू वेस्ट बंगाल, तो ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। देन वी हैव भिलाई, भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में आएगा, वेरी क्लोज टू मध्य प्रदेश का बॉर्डर। एंड देन वी हैव योर विजयनगर एंड कर्नाटका, ये नॉर्दर्न पोर्शन में हो जाएगा, क्लोज टू आंध्र प्रदेश का जो ये एक पोर्शन बाहर आ रहा है। सेलम इन तमिलनाडु विल बी राइट इन द मिडल ऑफ द स्टेट, ठीक है जी। चलिए तो ये आपकी ओवरव्यू हो गई, ठीक है, ये दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक द आयरन प्लांट्स, परफेक्ट। चलो नाउ वी गोना मूव बैक, एंड कमिंग बैक हमने देख लिए हैं आयरन एंड स्टील प्लांट्स। अब ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की बात अगर कर ले तो यहाँ पे हमें करना है नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई एंड तिरुवनंतपुरम। इसके लिए भी मैं आपको वो वीडियो दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे नोएडा एक्चुअली थोड़ा मिसिंग है इस मैप में, बाकी सारी चीजें आपको इस मैप में इजीली नजर आ जाएंगी, सो यू डोंट हैव टू वरी। तो ये सॉफ्टवेयर टेक पार्क्स, लेट्स हैव अ क्विक लुक। ओके, सो यू कैन हैव अ क्विक लुक ऑफ द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ओवर हियर। मुंबई हो गया ये हमारा, देन वी हैव पुणे, हैदराबाद, हैदराबाद विल बी इन तेलंगाना नाउ गाइस, प्लीज डू नॉट फॉरगेट दैट। देन ऑफ कोर्स द सिलिकन पार्क, बेंगलुरु, कर्नाटका एंड चेन्नई विल बी ओवर हियर, बिल्कुल यहाँ पे वर्ज पे आता है, चेन्नई एकदम टॉप कॉर्नर में होगा। एंड हमारा फिर आपका तिरुवनंतपुरम इन केरला, ये बिल्कुल टॉप साउथ कॉर्नर में होगा आपके, ठीक है। सो दिस इज एन ओवरव्यू, मैं एक बार पॉज कर दूंगी यहाँ पे, ये रहा, परफेक्ट। तो आप देख सकते हो नोएडा विच विल एक्चुअली बी इन यूपी, तो अगर मुझे इस मैप में ऐसे मार्क करना है तो हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे बिल्कुल
देख रहे हो, ये जो ये दिल्ली है, दिल्ली के इधर ईस्टर्न साइड पे, यहाँ पे ये दिल्ली के ईस्टर्न साइड पे, यहाँ पे नोएडा मार्क होगा, ठीक है जी। चल बाकी आप देख सकते हो, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, ये सब इधर यहाँ पे, ठीक है। मुंबई वगैरह यहाँ पे एक्चुअली प्रॉपरली मार्क्ड नहीं है। सो गांधीनगर आपका हो गया, मुंबई हो गया, तो यहाँ पे आप मार्क कर लो, ठीक है। गांधीनगर यहाँ आ जाएगा, मुंबई हमें पता है बिल्कुल यहाँ आ जाएगा, गांधीनगर, मुंबई। सो दिस विल ऑल्सो हेल्प यू विजुअलाइज कि कहाँ कैसे क्या मार्क करना है। पुणे हो गया, हैदराबाद हो गया, ठीक है। पुणे यहाँ मुंबई से थोड़ी सी दूर पे, यहाँ पे पुणे आता है, ठीक है। हैदराबाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे ये डिविजन जो है ये होना चाहिए था, ये डिविजन यहाँ पे नहीं किया हुआ है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि हैदराबाद ये तेलंगाना में आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, वी हैव डन। बेंगलुरु बिल्कुल यहाँ पे आता है बच्चा, यहाँ पे बिल्कुल तमिलनाडु के बॉर्डर पे, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो हल्का सा पॉइंट ऊपर गया है, दिस इज वेयर यू विल मार्क बैंगलोर। सो दिस इज योर बैंगलोर, और मैंने यहाँ पे ये मार्क कर दिया है, सो जैसे थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, मैं अब चेन्नई को दूसरे कलर से मार्क कर देती हूँ। ये यहाँ पे हमारा चेन्नई हो जाएगा, ठीक है। तो बैंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, और दिस विल बी आर तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो दिस इज योर सॉफ्टवेयर पार्क का लिस्ट। अब हम लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी करेंगे डिस्कस, यहाँ पे मेजर पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स है दैट वी हैव टू कवर। बच्चों के मार्क्स जितने कम आते हैं पापा का वॉल्यूम उतना ही बढ़ जाता है। ये होती है पढ़ाई। पर कभी सोचा है कि मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों की ही क्यों? अब वेदांतु मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा, वरना आपकी पूरी फीस वापस। सो इन लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी वी हैव सम मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एंड सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया दैट वी हैव टू मार्क। अब मेजर सी पोर्ट्स बच्चे हमें पता है कि हमें 12 पोर्ट्स हैं जो दिए गए हैं हमारी किताब में भी, वो ही मार्क करने हैं, जो कि आपका अगर हम ईस्ट से लेकर के साउथ की तरफ से, सॉरी वेस्ट से लेकर के साउथ की तरफ से होते हुए ईस्ट की तरफ जाते हैं, सो दैट इज वॉट विल गेट कवर्ड अप, ठीक है। तो इट बिगिन्स विथ कांडला इन गुजरात, देन वी हैव मुंबई, मार्मागांव विच इज योर गोवा एयरपोर्ट, देन न्यू मैंगलोर जो कर्नाटका में लाई करेगा, देन वी हैव कोची एंड ट्यूटिकॉरिन बोथ इन केरला, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल। तो कांडला, मुंबई, मार्मागांव, न्यू मैंगलोर, कोची, ट्यूटिकॉरिन, ठीक है। ट्यूटिकॉरिन हमारा सबसे साउथ वेस्टर्न पोर्ट हो जाएगा। फिर आता है चेन्नई, देन यू हैव विशाखापट्टनम विच इज योर लैंड लॉक्ड पोर्ट। चेन्नई आपका आर्टिफिशियल लेकिन सबसे ओल्ड, सबसे बिजी हो जाता है मुंबई। देन यू हैव पैराद्वीप जो कि आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका कोलकाता आ जाएगा, आफ्टर ओडिशा पैराद्वीप के बाद हमारा कोलकाता, और या फिर हल्दिया एक्चुअली इज वॉट वी आर बेसिकली सपोज टू मार्क। अब मैं आपको एक बार जल्दी से ये वीडियो भी दिखा देती हूँ आपके रेफरेंस के लिए, सो दैट देर इज नो मोर कंफ्यूजन लेफ्ट विच इज अबाउट द पोर्ट्स। तो ये हमारा कांडला से शुरू होता है, तो आप देख सकते हो कांडला यहाँ पे आएगा गल्फ वाले पोर्शन में, फिर आपका इधर आ जाएगा मुंबई। ये गोवा में ही हमारा मामागांव यहाँ पे आपका नॉर्थ के साइड पे हल्का सा मार्क हो जाएगा। फिर आप जब यहाँ आओगे, यहाँ पे न्यू मैंगलोर, तो जहाँ केरला शुरू हो रहा है बिल्कुल वहां पे न्यू मैंगलोर मार्क हो जाएगा। यहाँ पे फिर हम मार्क करेंगे हमारा कोची, ठीक है। कोची बीचों बीच है थोड़ा सा, और यहाँ पे ट्यूटिकॉरिन हो जाएगा मार्क, आप देख सकते हो बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पे ये एक्चुअली ट्यूटिकॉरिन थोड़ा सा इस तरफ होगा बच्चे, ठीक है। एंड देन यू हैव चेन्नई जो कि हमें पता है चेन्नई हमने बहुत सारी चीजों में ऑलरेडी यूज कर लिया है। फिर ओडिशा में हम मार्क कर लेंगे आपका यहाँ पे विशाखापट्टनम और यहाँ पे पैराद्वीप, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे वेस्ट बंगाल में, और बीचों बीच आप समझ लो कि हल्दिया का जो हमारा पोर्ट है वो मार्क होगा, ठीक है। ये यहाँ पे बिल्कुल एकदम ऐसे सेंटर में साउथ वाले पोर्शन पे। अब आपका ओवरव्यू जो है, जूम्ड आउट व्यू, वो ये रहा सारे आपके पोर्ट्स का। सो यू कैन हैव अ क्विक लुक ओवर हियर। अरे क्या हो गया, कहाँ चला गया, हाँ जी ये देखिए। तो ये आपकी पिक्चर जो है रेफरेंस के लिए है, दिस इज हाउ इट इज सपोज टू लुक लाइक। ट्यूटिकॉरिन थोड़ा वेस्ट की तरफ कर लेना,
ठीक है, एक्चुअली नॉट वेस्ट बच्चा, ईस्ट ही रह जाएगा, ये साउथ ईस्टर्न हो जाएगा सबसे, और ये कोची साउथ वेस्टर्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सो नाउ विद दिस कहा गया, ओके, नाउ विद दिस वी हैव डिस्कस द मेजर इंटरनेशनल पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स हम करने वाले थे, तो हमने मेजर पोर्ट्स जो है इंडिया के वो कर लिए डिस्कस। अब हम थोड़े से मेजर एयरपोर्ट्स पे अगर ध्यान दें, तो एयरपोर्ट सेम मैप है वैसे तो, सेम मार्ग है, हमें करना क्या है, तो वी हैव टू लुक एट अमृतसर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड हैदराबाद। तो ये देखो, अमृतसर में हमारा राजा सांसी, ठीक है, दिल्ली में हमारा इंदिरा नगर हो गया, मुंबई यहाँ पे छत्रपति शिवाजी, हैदराबाद हमें पता है राजीव गांधी एयरपोर्ट, ये यहाँ पे हो गया, चेन्नई में मीनम्बक्कम, ठीक है। तो हमने कर लिया अमृतसर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड हैदराबाद, कोलकाता वुड बी हियर विच इज योर नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। एक बार आपको वापस ये वीडियो दिखा देती हूँ आपके रेफरेंस के लिए। तो हम यहाँ पे राजा सासी एयरपोर्ट से शुरू करेंगे, विच इज अमृतसर, देन विल मूव ऑन टू दिल्ली। दिल्ली ये छोटा छोटी सी जो जगह है आपका पंजाब, हरियाणा और यूपी, उसके बीच में राजस्थान हो गया, फिर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट दूसरा हमारा हो गया शिवाजी छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट विच इज मुंबई। यहाँ पे हम हैदराबाद का राजीव गांधी तेलंगाना में मार्क कर रहे हैं, फिर हम यहाँ आएंगे मीनम्बक्कम विच इज योर चेन्नई। तो चेन्नई से इसको याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। एयरपोर्ट्स आपको अगर मेजर सिटीज याद है तो आप अपने आप मार्क कर लोगे, ये कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। सो दीज आर आर मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। ये जूम्ड आउट व्यू आपके लिए रहा, दिस इज वॉट इज बेसिकली गोइंग टू बी यूजफुल, सो आई एम गोना जस्ट कीप इट एट दिस फॉर फ्यू सेकेंड्स, यू कैन हैव अ लुक एट इट, पॉज इट ओवर हियर एंड यूज इट। तो ये आपके मेजर हो गए सारे एयरपोर्ट्स, ठीक है। अब जो है कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए ऐड की हैं, लेट्स हैव अ क्विक लुक एट दोस क्वेश्चंस। मैं क्विजेस के फॉर्म में ये नहीं करा रही हूँ, बिकॉज अगेन दिस इज नॉट अ लाइव सेशन, सो टेकिंग क्विजेस एज सच इज नॉट रियली गोइंग टू बी यूजफुल। सो व्हाट आई एम गोना डू इज जस्ट शो दीज क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस। आई वुड सजेस्ट आप ये क्वेश्चंस देखो, वीडियो पॉज करो, लुक एट द क्वेश्चंस, आंसर इन योर हेड एंड देन मूव ऑन फॉरवर्ड, ठीक है। तो हमने पॉइंट 1, 2, 3, 4 यहाँ पे देख लिया, इट्स मार्क। क्वेश्चन ये पूछता है कि विच ऑफ द मार्क प्लेसेस इज रिकॉग्नाइज एज द प्लेस वेयर INC हेल्ड इट्स सेशन इन 1927। तो 1927 में सेशन बच्चे मद्रास में हुआ था, तो मद्रास यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना था, तो पॉइंट नंबर 4 इज वेयर मद्रास इज, ठीक है। इस तरीके से आइडेंटिफाई करने वाले क्वेश्चन आते हैं जो कि हिस्ट्री में आएगा, ज्योग्राफी में हमारा लोकेट एंड लेबल भी होगा, जहां पे हमें खुद से ही लोकेट करना है और लेबल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया आपका, 1, 2, 3 एंड 4 पॉइंट्स गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ द मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट वापस दिया हुआ है 1, 2, 3 एंड 4। मैप यहाँ पे दिया हुआ है, सत्याग्रह हुआ था यहाँ पे विच इज योर चंपारण, विच विल मेक पॉइंट नंबर 1 द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब इसी के साथ अब हमारा इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ CDM है, ये पॉइंट ए है। तो CDM के लिए यार डांडी मार्च इज वॉट इज देयर, तो यहाँ पे खेदा, डांडी, बारडोली एंड अहमदाबाद आपको ऑप्शन गिवन है। हमें पता है कि डांडी मार्च की वजह से डांडी वुड बी द करेक्ट आंसर। अनदर क्वेश्चन, अब ये ज्योग्राफी का सवाल है, पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे मार्ग है, यहाँ पे एक थर्मल प्लांट है, आपने बताना है कौन सा पावर प्लांट है, ये रामागुंडम, सिंगरौली, नामरूप, कोरबा। बेटा देखो मैं हमेशा कहती हूँ स्टेट याद करो, ठीक है, ये कौन सा स्टेट है, आसाम है, आसाम में क्या होगा, तो नामरूप होगा, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आई एम गोना मूव अवे फ्रॉम द स्क्रीन। अब यहाँ पे पॉइंट 1 मार्क है, यहाँ पे तो एक ही पॉइंट ही है जो कि हमें पता है हर जगह कॉमन है, बट देखते हैं ऑप्शन क्या है। अब यहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट मार्क करने को कहा है, नरोरा, कारकरापारा, तारापुर, कल्पाकम। अब यहाँ वापस आप स्टेट वाला लॉजिक लगा लो, ठीक है, स्टेट वाला लॉजिक जब आप लगाओगे
तो यूपी हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो तमिलनाडु कहाँ बचा? कलपक्कम, ठीक है? तो कलपक्कम इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, एमपी में कुछ मार्क दे, मुझे लग रहा है ये कॉटन का है। तो आइडेंटिफाई द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बहुत बढ़िया। सूरत, कानपुर, इंदौर और कोयम्बटोर। अब आपने बताना है कि इनमें से कौन सा सही जवाब है। अब जैसे यहाँ दिख रहा है एमपी में मार्क्ड है, तो बच्चे नेचुरली ऑप्शन नंबर सी इंदौर वुड बी द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये यहाँ पे मार्क्ड है, ये जगह कौन सी है हमारा? ये झारखंड है। झारखंड में आपसे पूछ रहा है आयरन और स्टील इंडस्ट्री, जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर या भिलाई। आप देखो कंफ्यूजन आपको इन दोनों में होगी क्योंकि बाकी तो झारखंड में है ही नहीं। तो अब ये ऊपर की तरफ है जमशेदपुर, बच्चे यहाँ नीचे की तरफ वेस्ट बंगाल में बिल्कुल आता है, तो यहाँ पे हमारा जवाब बोकारो होगा जो थोड़ा ऊपर की तरफ है। और इनफैक्ट ये बोकारो है, ये जमशेदपुर है और यहाँ पे दुर्गापुर है। ऐसे इन तीनों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देख रहे हैं हमें 3 पॉइंट्स मार्क्ड गिवन है, 4 पॉइंट्स एक्चुअली। क्वेश्चन क्या कहता है? हमें बताना है पुणे जो सॉफ्टवेयर टेक पार्क है, बताना है 1, 2, 3, 4 में से कौन सा है। तो आप देखो पुणे कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में है, तो ऑप्शन 1 और 2 तो इज आउट ऑफ मतलब कंसिडरेशन। अब 3 और 4 है, ये मुंबई है, तो ये क्या हुआ? मुंबई से थोड़ा नीचे 2 घंटे की दूरी पे आता है पुणे। तो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4। 4 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब वापस यहाँ पे आप देखिए 0.1 मार्क्ड है। अब ये कर्नाटका में मार्क्ड है, देखते हैं 0.1 से क्या रिलेटेड सवाल है। हमें सी पोर्ट आइडेंटिफाई करना है मार्मागाव, न्यू मैंगलोर, विशाखापट्टनम और पैरादीप के बीच में से। बच्चे देखो यहाँ पे 0.1 वो कर्नाटका में मार्क्ड है, मार्मागाव इज इन गोवा, विशाखापट्टनम हो जाएगा आपका ईस्टर्न कोस्ट पे, पैरादीप भी ईस्टर्न कोस्ट पे है, न्यू मैंगलोर एक ऐसी चीज है जो वेस्टर्न कोस्ट पे बैंगलोर मतलब कर्नाटका में आती है, ठीक है। हाउएवर यहाँ पे मार्मागाव मार्क्ड है, ये मैप थोड़ी प्रिसाइज होनी चाहिए थी, ठीक है, ये मैप थोड़ी प्रिसाइज होनी चाहिए, अदरवाइज ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। ये मारमा गांव के लिए हमें यहाँ थोड़ा इस एज पे मार्क करना होगा और ये थोड़ा ऐसे मार्क होना चाहिए, वरना ये न्यू मैंगलोर की फील भी दे सकती है। हाउएवर न्यू मैंगलोर यहाँ आएगा, ठीक है, मैंने भी मैप जो है थोड़ा ध्यान से नहीं देखा। न्यू मैंगलोर मैंने आपको बताया था केरला शुरू होने के पहले आता है, तो आप देख सकते हो कि मैम को भी हल्की सी कंफ्यूजन हो गई, तो इससे हमारा भी हो सकता है। ऊपर की तरफ है तो आप ध्यान रखोगे मारमा गांव है, और थोड़ी नीचे की तरफ है तो वो न्यू मैंगलोर है। एंड विद दिस ये फाइनल क्वेश्चन, ये पूछ रहा है एयरपोर्ट कौन सा है। तो बच्चे ये ऊपर तो एक ही सिटी है, तो यहाँ पे एयरपोर्ट भी वो एक ही होगी। ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या अमृतसर। ये चेन्नई का एयरपोर्ट है जो यहाँ पे मार्क्ड है हमारे लिए, ठीक है। सो विद दिस अ क्विक रिमाइंडर, आप जब अब जो है 11th में मूव कर रहे हो, तो आपने जेई के रिजल्ट और नीट के रिजल्ट्स के बारे में सुना ही है कि वेदांतु ने क्या धमाका किया हुआ है अक्टूबर में। जेई में हमारे 1,500 से 1,500 से ज्यादा बच्चे और नीट में 1,200 से ज्यादा बच्चों ने लिया है एडमिशन, क्वालिफाई किया है। तो आप जो हिस्ट्री क्रिएट हो गई है वो हिस्ट्री में आपको हिस्सेदारी लेने की बारी आ गई है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, यूज कर लो उस लिंक को। आप देख रहे हो कि जब आप एंक प्रो कोड लगाओगे तो ये सारे डिस्काउंटेड प्राइसेस पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। सो डू नॉट मिस, लिंक जरूर यूज कर लेना। जो बच्चे 9th मूविंग टू 10th है, आपकी भी प्री बुकिंग चल रही है, 4th से सेशंस भी शुरू हो रहे हैं। सो प्लीज मेक श्योर नॉट टू मिस ऑन इट, एंक प्रो इज द कोड, अप्लाई कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, See you guys soon. Till the next time, hasta la vista. Stay home, stay safe, take good care of yourselves. Have a great evening. Good night, guys. Bye bye. एग्जाम से पहले घर वाले शुरू हो जाते हैं। बादाम दूध पी लो बेटा। मार्क्स के लिए ना टिप्स हर कोई देता है। इसलिए वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस। अब वेदांतु मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा, वरना आपकी पूरी फीस वापस।